At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देश की संसद में इन दिनों अग्निवीर व देश के सैनिकों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच यूपी के सीतापुर में शहीदों की स्मृतियों को कितनी तवज्जो दी जाती है, इसकी वानगी अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के शहीद स्थल जाने वाले मार्ग को देखकर मिल सकती है। परमवीर चक्र विजेता के शहीद स्थल ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत छरासी मजरा रूड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया करीब 8 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका जीर्णोद्धार सीतापुर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा आवागमन के लिए साइड में रास्ता बनवाकर करवा दिया गया था। करीब 2 महीने बाद साइड में बनी रोड अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर आई इंडिया पर खबर प्रसारित की गई। खबर का संज्ञान लेते हुए एई राजेश वर्मा ने नेशनल हाईवे से कैप्टन मनोज पांडे स्मारक सहित क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन गांव जाने वाले मुख्य मार्ग की मेन रोड का रास्ता नव निर्मित पुलिया व डामर रोड के बीच खाली पड़ी जमीन में मिट्टी का भरान कराकर चालू करा दी। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही भीषण बारिश के चलते पुलिया व रोड के बीच पड़ी मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे निकलने वाले राहगीरों की जान जोखिम में बनी हुई है। इसे लेकर आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जमीनी हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्य प्रकाश सिंह। हम इस वक्त खड़े हैं जनपद सीतापुर का गौरव परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जन्मस्थली व शहीद स्थल जाने वाले नेशनल हाईवे से मुख्य मार्ग रूढ़ा छरासी को। यह मार्ग कुछ दिन पहले इस मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा पुनः पुलिया बनवाई गई थी करीब 6 महीना पूर्व, और पुलिया बनवा करके इसके दोनों तरफ जो कटान हुआ था उसमें कच्ची मिट्टी का भरान करवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा इस तरफ मुड़ करके देखना मुनासिब नहीं समझा गया और आज या 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते पुलिया की मिट्टी जो दोनों तरफ पड़ी थी, डामर रोड और पुलिया के बीच में पड़ी मिट्टी कट चुकी है और यहां का आवागमन बंद हो चुका है। कैप्टन मनोज पांडे के साथ साथ लगभग इधर के नेशनल हाईवे से 25 गाँव का संपर्क टूट चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ का आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है। लोगों को काफ़ी दूर चक्कर लगा करके नेशनल हाईवे पर जाना पड़ रहा है। यह जनपद सीतापुर के विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत छरासी के मजरा रूढ़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।